नमस्कार, मैं बलजीत ढाका पिनेकल पब्लिकेशन से आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा आपकी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे कि पिनेकल ने लॉन्च कर ली है करंट अफेयर्स से रिलेटेड, पिछले एक साल से ज़्यादा का करंट अफेयर्स है इन किताबों में रखा गया है। हिंदी मीडियम की किताब है आपके सामने और इंग्लिश मीडियम की किताब है। ये किताब आपको अमेजन पे, फ्लिपकार्ट पे, दुकानों पे, सभी जगह पे आपको मिल जाएगी। खास बात क्या है इस किताब में कि पहले आपको थ्योरी दी हुई है और उसके बाद में एमसीक्यू है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी भी बच्चे ने अभी तक करंट अफेयर्स पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है या नहीं पढ़ा है और वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, जैसे कि SSC CGL Tier 1 Tier 2 या इन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, UP पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, DDA की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी करें जहाँ पे करंट अफेयर्स का रोल होता है, और इनफैक्ट क्या है आज के टाइम में करंट अफेयर्स का रोल ऑब्वियसली बढ़ रहा है, तो ये किताबें आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाली है क्योंकि इसमें एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट है और आसान भाषा में आपको दिया हुआ है। तो ये आप इमीडिएटली ले सकते हैं, दुकानों से ले सकते हैं, अमेजन पे, फ्लिपकार्ट पे। अब क्या है कि मैं आपको स्क्रीन पे ले चलता हूँ जहाँ पे आप देख पाएंगे कि इस किताब के अंदर क्या है। और एक चीज़ और बता देता हूँ मैं, ये किताब आप प्रिंटेड फॉर्मेट में भी है और ई बुक में भी पिनेकल की वेबसाइट पर आप जाकर ले सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, ताकि जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं वो ई बुक है ले सकते हैं। इमीडिएटली आपको एक्सेस मिल जाएगा और वहाँ पर डेस्कटॉप पे या मोबाइल पे आप पढ़ पाएंगे। अगर किसी को प्रिंटेड फॉर्मेट में चाहिए तो ये दुकानों से वो ले सकते हैं। तो मैं आपको ले चलता हूँ अब स्क्रीन पे जहाँ पे आपको पता चलेगा इसके अंदर कंटेंट क्या है। अब मैं आपको पूरा कंटेंट है दिखा देता हूँ। और जैसे ये किताब इंग्लिश मीडियम में, सेम आपको कंटेंट है हिंदी में मिलेगा। एक भी वर्ड इधर उधर नहीं, कोमा भी इधर उधर नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे टॉपिक है सबसे पहले हु चीफ मिनिस्टर एंड गवर्नर, स्कीम्स एंड पॉलिसीज, इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट, स्पोर्ट्स अफेयर्स, अवार्ड्स, नेशनल अफेयर्स, डिफेंस अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स, कॉन्फ्रेंस मीट्स और मीटिंग्स, रैंकिंग एंड इंडेक्स, एग्रीमेंट्स एंड MOU, इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पोर्टल्स एंड एप्स, कमेटीज एंड हेड, ऑब्जरी, फाइनेंस एंड इकोनॉमी, एक्विजिशन एंड मर्जर, मिसलेनियस, स्टेटिक में फेस्टिवल एंड इट्स स्टेट, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये सारी चीज़ें आपको इसमें मिलेगी जो कि करंट अफेयर्स परस्पेक्टिव से है। अब आ जाता है MCQ। MCQ में भी देखिए स्कीमिंग एंड पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है SSC परस्पेक्टिव से। अगर आप बात करें तो 87 क्वेश्चन है इस पे है। तो जो आपने थ्योरी पढ़ ली, अगर आप उसकी प्रैक्टिस करना चाहते हैं कि आपको कितना समझ में आया है, तो ऑब्वियसली क्या है कि इन MCQ की मदद से आप उसको समझ पाएंगे कि आप कहाँ से कहाँ कौन कितना स्टैंड करते हैं करंट अफेयर्स के ऊपर। 1048 क्वेश्चन MCQ के दिए हुए हैं थ्योरी के अलावा। ये देखिए थ्योरी इस रूप में आपको मिलेगी, तो आसान भाषा में। यहाँ पे मकसद है आसान भाषा में, ताकि आप अपनी तैयारी को बेटर बना पाएं, एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएं। भले ही आपने अभी ज़्यादा करंट अफेयर्स फिलहाल पढ़ा नहीं है, लेकिन ये किताब आपको उस तरह से डिजाइन की गई है कि अगर आपने ज़्यादा पढ़ा नहीं है या याद नहीं है, तो भी पिछले एक साल से ज़्यादा का कंटेंट आपको जल्दी 3-4 दिन में याद हो जाएगा इस किताब को पढ़कर। टोटल इस किताब में 141 पेज है, मतलब 140 के आसपास पेजेज हैं, जो कि मुझे लगता है कि आप 5-6 दिन में ही पूरी अच्छी ढंग से 2-3 बार भी पढ़ सकते हो, ठीक है। और जब 2-3 बार पढ़ने से याद होती है, बस इतना ही आपको कंटेंट करना अगर आप करंट अफेयर्स की तैयारी करते हैं। मुद्दा क्या होता है कि आपको ये चीज़ें बार बार पढ़नी होती है। जितनी ज़्यादा आप बार बार पढ़ेंगे चीज़ें, आपको उतनी ही ज़्यादा लर्न होगी। और एक चीज़ और बता देता हूँ, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ये कंटेंट दिया हुआ, जैसे आपके सामने नजर आ रहा होगा। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कंटेंट से क्या होता है कि आप अपने आप को रिलेट कर सकते हैं कि कहाँ से कितना आपको कंटेंट तैयार करना है। SSC एक साल से ज़्यादा का ही इनफैक्ट पूछती है, तो एक साल का तो आपको करना ही चाहिए, एक साल का तो आपको करना चाहिए। मैं सारा कंटेंट आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, इसकी ईबुक भी अवेलेबल है। ईबुक का मतलब कि आपको परचेज करनी है, हमारी वेबसाइट पे जाकर परचेज कर सकते हैं या मोबाइल ऐप से कर सकते हैं। अगर आप मोबाइल का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो मोबाइल ऐप डाउनलोड कीजिए, पिनेकल पब्लिकेशन की, पिनेकल एग्जाम प्रिपरेशन ऐप, ये डाउनलोड करनी है, क्योंकि वो ब्राउजर से नहीं चलेगी। अगर मोबाइल से आप यूज़ करना चाह रहे हैं तो ऐप से ही चलेगी, और अगर आप डेस्कटॉप या लैपटॉप का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको ब्राउज़र पर ही चलेगी। तो इस बात का ध्यान रखें, गूगल क्रोम का इस्तेमाल आपको करना है, और मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो मोबाइल ऐप का इस्तेमाल करना है। अगर आप ई बुक लेते हैं तो देखिए कंटेंट आपको नज़र आ रहा होगा इस तरह से, ये पूरा कंटेंट मैं आपको दिखाता जा रहा हूँ, ठीक है। ये सारा कंटेंट आपको इस तरह से नज़र आएगा। नेशनल अफेयर्स अगर आप बात करें, अच्छी क्वालिटी का कंटेंट, आसान भाषा में और पूरा कंप्लीट कवरेज। आपको बस करना क्या है, इसको बार बार पढ़ना है, इसको बार बार पढ़ना है, और उसके बाद में क्या है कि आप MCQ कर सकते हैं। MCQ से आपको क्या होगा, जो कंटेंट इसमें है वही कंटेंट से क्वेश्चन पूछे गए, ताकि
और कुछ जो क्वेश्चन है वो भी हैं जो कि हाल फिलहाल के एग्जाम हुए उनमें से आए हैं, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं रियल एग्जाम में। ये देखिए इस तरह से आपको मिलेगा। मैं आप एमसीक्यू पे भी ले चलता हूँ फटाफट। आपको देखिए नीचे आप जाएंगे तो जो सेकंड पार्ट होगा ये इम्पोर्टेंट थीम्स एंड डेज, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या बन रहे हैं उसके कंटेंट आपको आपके सामने। बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है ये। कमेटी एंड हेड ऑब्सरी फाइनेंस इकोनॉमी से रिलेटेड अगर आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये ऑब्वियसली क्या है कि करंट अफेयर्स की किताब ही आपके पास होनी चाहिए। यहाँ से एमसीक्यू स्टार्ट हो जाते हैं तो 96 पेज तक पहले आपकी थ्योरी है और उसके बाद में ये स्टार्ट हो जाता है एमसीक्यू। ये देखिए इस तरह से आपको फिर मिलेगा एमसीक्यू। पहले क्वेश्चन दिए हुए हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक पे और उसके बाद उस टॉपिक के बाद में उसके एमसीक्यू, ये देखिए इस फॉर्मेट में आपको नजर आएगा ताकि पहले आप देख लें कि आप कितना स्कोर कर रहे हैं और फिर आप उसको रिलेट कर सकते हैं। एक्सप्लेनेशन इनकी ऑलरेडी थ्योरी में है तो इसलिए जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको ये प्रैक्टिस के लिए दिए गए हैं आखिर में, ठीक है, जैसे इंग्लिश में उसी तरह से हिंदी में। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये बुक है करंट अफेयर्स की आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगी। ऑल द बेस्ट। और ये आप ले सकते हैं अमेजन फ्लिपकार्ट पे या लोकल बुक शॉप कीपर।